बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कौमी अंडर 16 हॉकी चैंपियनशिप में सेमीफाइनल खेलने वाली टीम बलूचिस्तान, एक एक कोच जिन्होंने बलूचिस्तान हॉकी एकेडमी को ट्रेन करते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर साकिब अयाज। साकिब अयाज अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत? ठीक ठाक। अच्छा साकिब, मुझे ये बताइए कि बच्चे जो भी आता है वो कहता है जी साकिब साहब की बड़ा शुक्रिया, साकिब साहब की मेहरबानी, हमने उनसे ट्रेनिंग ली, ये किया वो किया, ऐसा क्या जादू भर दिया बच्चों में कि बच्चे जनाब सेमीफाइनल ही खेल पड़े और इतना अरसे से जो बलूचिस्तान कभी नहीं आया वो आज सेमीफाइनल में खड़ा है और वो भी नेशनल इवेंट में? बस हम, मैं हो गया और अमजद सती साहब हो गए कोच सेक्रेटरी, हम जो दिन रात जो बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं, इन पे फिज़िकल हम लगे हुए हैं, 3 महीने तकरीबन हमें हो गए हमारे कैंप को, हम फिज़िकल बेसिक जो स्टिक वर्क है वो हम इनको सिखा रहे हैं और बच्चों को बहुत प्यार मोहब्बत से जो है ना हम इनको डील कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। साकिब बता रहे थे कि हम बेसिक पे काम करते हैं, तो सो हमें ये चीज़ें अक्सर देखने में आती हैं कि जिन चीज़ों की बेस अच्छी हो, बुनियाद अच्छी हो, तो वो उस पर इमारतें बहुत अच्छी खड़ी होती हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बलूचिस्तान जो है वो एक अच्छी इमारत खड़ी करने जा रहा है क्योंकि उसने बुनियाद अच्छी रख ली है। बलूचिस्तान हॉकी एकेडमी की सूरत में आपके अमजद सती साहब सेक्रेटरी हैं और आपके प्रेसिडेंट हैं, आपके चेयरमैन जो हाजी लश्करी रईसानी साहब, उन्होंने ये एक जब इतना एक खूबसूरत गुलदस्ता बन चुका है तो मुझे यकीन है कि इस क्वेटा की संगलाख पहाड़ियों से एक ना एक दिन ज़रूर फूल निकलेगा। सैयद अली अब्बास साइनिंग ऑफ प्लेयर्स डॉट पी के।